गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उसके बाद वो मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं आप। इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है, हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूँ। सर, नक्सलियों से वार्ता की कोई उम्मीद बाकी है? गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त जगदलपुर में मौजूद है जहां पर वो कल शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आपको सुनवा देते हैं जो मीडिया से बात। शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। परसों की जो घटना है निश्चित रूप से पूरे
प्रदेश को, देश को झकझोरा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस से, साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की, जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसके हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपा पिछले समय पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, दर्रे में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी एक बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आया और नक्सली समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। जो अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि केंद्र से आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जैसे जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। घटना को देख कर लग रहा है कि नक्सलियों के जो मुख्य गढ़ है वहाँ तक फोर्स पहुँची है जी। ये मतलब ये देखा जाए कि घटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अच्छी बात, मतलब पूरी बात है। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर हरमा का क्षेत्र था वहाँ तक पुलिस बल का पहुँचना ये अपने आप में उपलब्धि है। अब क्या लग रहा है कोई अपने को हवाई हमले की या हवाई उसकी जरूरत पड़ सकती है? अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि हम उसके मांग में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ। पिछले साल भी मीनपा पहुँचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मांग में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। ग्रेहाउंड सर्विस है जो आंध्र प्रदेश में काम करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। एक जवान भी मिसिंग। देखिए कई सारी चीज़ों के निर्णय हुए हैं, मैं नहीं मानते निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है। और जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफ़ी आगे पहुँचे। देखिए जिस जगह पे आप आज श्रद्धांजलि दिए, पाटिल साहब ने दिए, आज आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई है मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया। जवान, धन्यवाद।
तो गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। श्रद्धांजलि दी इन्होंने जवानों को और उसके बाद मीडिया से बात कर रहे थे, जिसमें गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि रिव्यू मीटिंग की है और पीएम ने साफ तौर पर इस बारे में कहा है कि इस लड़ाई को अंत तक ले जाना है और उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता तय कर दी है। राज्य और केंद्र के बीच पूरा समन्वय है, जिस किसी भी सहयोग की जरूरत छत्तीसगढ़ को होगी वो सहयोग हम देंगे उनको और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, नक्सलवादियों का अंत करेंगे, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आएगी और ये नक्सलियों की झुंझलाहट है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, लेकिन हमारे जवान भी पूरी बहादुरी के साथ लड़े, 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही दोनों ही तरफ से और बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं और जल्दी ही उनकी संख्या भी सामने आ जाएगी, ये कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। क्या कुछ पूरी बात कही उन्होंने, एक बार वो सुनवाते हैं आपको। डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। और छत्तीसगढ़ मामले से जुड़ी ही इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीआरपीएफ की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीआरपीएफ इस पूरे नक्सली हमले की पूरी घटना की आंतरिक जांच कराएगी, जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा जाएगा और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जाने के बाद वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट सीआरपीएफ मुख्यालय में सौंपेंगे। ये पूरी घटना हुई कैसे, किस तरीके से हुई, क्या कुछ उसमें चूक रह गई थी, क्या कुछ कोशिश हुई नक्सलियों की तरफ से और हमारे जवानों ने कैसे उनको ओवर पावर करने की कोशिश की, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाई जाएगी। बाकायदा पूरी एक आंतरिक जांच होगी और उस जांच की रिपोर्ट सीआरपीएफ मुख्यालय में दी जाएगी, इसके लिए बाकायदा यहां से एक अधिकारी भी भेजे जाएंगे। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। सर, ओम प्रकाश तिवारी, क्या है पूरी जानकारी इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ के एक आला अधिकारी ने कहा कि इस मामले की पूरी आंतरिक जांच सीआरपीएफ हेडक्वार्टर करेगा। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को शीघ्र ही घटनास्थल समेत अनेक जगहों पर छत्तीसगढ़ में भेजा जाएगा। ये अधिकारी इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी जांच करेगा कि ये प्लानिंग कब बनी थी, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई थी और फिर किस तरह से प्लानिंग बनाकर फोर्स को वहां भेजा गया था, इस मामले में कहां चूक हुई और क्या चूक होने के अलावा क्या कोई लीकेज भी हुई थी, इन तमाम चीजों की जांच सीआरपीएफ का एक वरिष्ठ अधिकारी करेगा। आईजी या एडीजी लेवल का अधिकारी बहुत जल्द घटनास्थल पर जाएगा और वहां से अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके वो सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को पेश करेगा। सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक इस मामले में केंद्र सरकार यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय यदि किसी और जांच के आदेश देता है तो जांच अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी आंतरिक जांच शुरू कर देगा। जी ओम प्रकाश तिवारी, मुझे एक बात और बताइए, जो जांच होगी इसमें कौन कौन से बिंदुओं पर प्रमुखता से नजर रखी जाएगी या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीआरपीएफ मुख्यालय चाहता है कि उन पर हमको पूरी जानकारी मिले कि आखिर इस ऑपरेशन में कमी कहाँ रह गई या लीकेज की जिस तरह से आप बात करें, क्योंकि इंटेलिजेंस पर तो सवाल पहले से ही उठ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ इस पूरे मामले की कवायद कहां से शुरू हुई थी, इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य जगहों से क्या इंफॉर्मेशन आई थी, उन इंफॉर्मेशन के बेस पर किस तरह से इस मामले की प्लानिंग तैयार की गई थी, प्लानिंग में कौन लोग शामिल थे, तो जिस दिन जवानों को वहां भेजा गया उस दिन क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या और जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी उनकी कंडीशन क्या थे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, इन तमाम चीजों की जानकारी, फिर उस समय वहां का फोर्स कमांडर कौन था और जिस समय हमला हुआ उस समय वहां की स्थिति क्या थी, यानी ये तमाम चीजें हैं जो कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाएगी और सबके बीच देखा जाएगा कि ऑपरेशन फेल कैसे हुआ, क्या इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही नक्सलियों को मिल गई थी या बीच में कोई ऐसी काली भेड़ थी जिसने नक्सलियों तक इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंचा दी गई थी, ये इंफॉर्मेशन पहले पहुंची थी या फिर ये किसी चूक का नतीजा था, इस मामले में पूरी कंप्लीट रिपोर्ट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर चाहता है और जिसके लिए जल्दी अधिकारी को वहां भेजा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस अहम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे थे कि जल्दी ही सीआरपीएफ की तरफ से एक अधिकारी डीजी लेवल के अधिकारी को भेजा जाएगा जो इस पूरे ऑपरेशन की आंतरिक जांच करेंगे। बड़ी विस्तार से उन्होंने बताया कि कहां से सूचना आई, कैसे सूचना आई, किस तरीके से ऑपरेशन को प्लान किया गया, कैसे आगे बढ़े, क्या कहीं कोई लीकेज था, इन तमाम बिंदुओं पर इस पूरे ऑपरेशन की आंतरिक जांच सीआरपीएफ अपने स्तर पर करवाएगी। और इस बीच देखिए राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों के पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए, इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा है कि अगर ये खुफिया नाकामी नहीं तो एक के बदले एक मौत का मतलब है कि ये एक खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था।
हम अपने जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दे सकते हैं। ये सवाल खड़े किए गए राहुल गांधी की तरफ से कि अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो एक के बदले एक मौत के क्या मायने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ऑपरेशन सही तरीके से प्लान नहीं हुआ था या इंटेलिजेंस फेलियर था, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, नक्सल हमले में राहुल गांधी के उठाए सवाल पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो पूरा ऑपरेशन था कहीं ना कहीं इसमें इंटेलिजेंस फेलियर था। राहुल के इंटेलिजेंस फेलियर वाले सवाल के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन राकेश सिन्हा ने भी उस पर जवाब दिया है। क्या उन्होंने कहा है? वो सुनवाते हैं आपको। राकेश सिन्हा जी, डॉक्टर राकेश सिन्हा, आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो और क्या है, इसे क्या कहा जाए? देखिए, राहुल गांधी आंतरिक सुरक्षा के मामलों में जो घटिया राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से शहीदों का अपमान कर रहे हैं वो किसी भी राजनेता से अपेक्षित नहीं है। राहुल गांधी यह बताएं कि 2009 में 287 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई थी इन रेड टेररिज्म से, 2010 में 262 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई थी, 2009 से लेकर 2014 तक 862 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। राहुल गांधी तब कहाँ थे? जो सुरक्षाकर्मी 2010 में शहीद हुए थे, 74 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान, उनकी शहादत का अपमान करने वाले और जश्न मनाने वालों के साथ राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े थे। जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति को प्रस्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए दांतेवाड़ा में शहादत का अपमान करने वाले, उस पर जश्न मनाने वालों के साथ खड़ा होने की क्षमता है, उसे कम से कम नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह का सवाल खड़ा करने का। क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं की आड़ में कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति छिपी है? देखिए, राहुल गांधी बघेल सरकार को बचाना चाह रहे हैं। बघेल सरकार और कांग्रेस की सरकारें जब जब रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी साठगांठ नक्सलियों से हमेशा रही हैं, और यह साठगांठ पहले भी दिखाई पड़ी है जब कर्मा शहीद हुए थे। सरकार को जवाब नहीं, राहुल गांधी को जवाब देना है कि बघेल सरकार क्या कर रही है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, गृहमंत्री और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, तमाम बातें भी की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी कोई और अपडेट इस मामले से जुड़ा मिल रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर आप जरा रोशनी डालें। आदर्श, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम पुलिस के आला अफसरों और सीआरपीएफ के आला अफसरों के साथ बैठक की है जगदलपुर में, और जैसा कि पहले से ही तय कार्यक्रम था कि वो पहले जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद विस्तार से पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जब निकले गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही, और इस पर इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ही ये कहा गया है कि ऑपरेशन और तेज होगा, इसका मतलब ये साफ है कि ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर जो एक बड़ी खबर आ रही है वो कि एक जवान जो कोबरा का नक्सलियों के कब्जे में है, उसको लेकर भी चिंतित है छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बल के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी चिंतित हैं, लेकिन अमित शाह ने, गृह मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि ट्राइबल इलाका है, घना इलाका है, थोड़ा ऑपरेशन वहां पर जब जब फोर्स जाती है तो वो कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन जिस तरह से जांच की बात ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे और सीआरपीएफ के अब जो अधिकारी और जो जवान घायल हुए हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि हमारे एक एक मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों को थी, ऐसे में सवाल बड़ा उठ जाता है कि क्या इस ऑपरेशन की जानकारी पहले से थी। जवान खुद कह रहे हैं जो घायल हैं, ऐसे में अमित शाह का बैठक लेना और एक एक बारीक पहलुओं पर बात करना और फिर बाहर निकल कर ये कहना कि ऑपरेशन और तेज होगा, अभी वो बीजापुर जाएंगे, वहाँ पे बासागुड़ा कैंप में सीआरपीएफ के लोगों के साथ मिलेंगे, बीजापुर नक्सल प्रभावित जिला है और वहीं इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो गृह मंत्री का इतना समय देना छत्तीसगढ़ में एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना ये इशारा कर रहा है कि जाँच तो होगी ही लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं। जी, अहम बात आप कह रहे हो, जाहिर सी बात है गृहमंत्री ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये और तीव्र गति से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवानों का जो जज्बा है वो बिल्कुल हाई है और वो पूरी तरीके से तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद कहा कि ऑपरेशन को और तेज करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका। न पाबंदी हो न कोई हद हो
हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।